अमेरिका में लॉस वेगास में एक कंसर्ट में हुई गोलीबारी में कम से कम 50 लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि 64 साल के स्टीफन पैडक नाम के एक बंदूकधारी ने मंडलई बे होटल के 32वें फ्लोर पर ओपन एयर म्यूजिक उत्सव में अंधाधुन गोलीबारी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध हमलावर स्थानीय नागरिक था, जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस अधिकारियों की गोली से मारा गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमला किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वो मॉरिलॉन डैनली नाम की एशिया महिला की तलाश कर रहा है। इस महिला के बारे में कहा जा रहा है कि वो संदिग्ध के साथ दिखी थी। पुलिस का यह भी कहना है कि कितने लोग मारे गए हैं अभी इस बारे में ठीक ठीक से नहीं बताया जा सकता। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।